Welcome to the latest episode of Sean Bites with your favorite RJs, Shivani and Shalini. You always enjoy our shows on Sina Radio 1650 AM morning 10 to 11 and on FM 101.3 from 2 to 3 in the afternoon. Yani Radio Sean on Sina Radio and Sean FM the Musical on CMR FM 101.3. And thank you so much for liking our first episode, Shivani, which was the first episode of Sean Bites. In the first week of this new year 2013. Bipul Shalini, good morning, good afternoon, good evening. Tino isliye bola hai ki aap jis bhi samay hamara ye dekh rahe hain YouTube par, to hum aapko us time ke accordingly wish karna chahenge aur saath hi ek bada sa thanks aapko, aapne hame hamare jo pehla wala show tha usko bahut pasand kiya, Sean Bites ko, aur Bites ko bahut sari likes diye aap logon ne. Thank you so much. Aur aap tak aap kar sakte hain hamare saath 416-569-7812. Bahut कुछ है हमारे पास, हमारे रिस्पेक्टिव कंप्यूटर्स में फीड कर लिया है हमने आपको जबरदस्त एंटरटेन करने के लिए. एब्सोल्युटली. और लिसनर्स को बता दें, प्लीज विजिट आवर फेसबुक पेज इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी, facebook.com/shawnmedia. You can visit our website shawnmedia.com for all the latest updates, latest videos, pictures and the contact details, our contact details. And also you can visit our Twitter page. You can follow us on Twitter at twitter.com/ShaliniDixit. And as usual, let us start today's show with a beautiful quotation, beautiful vichar aapke liye, which says that the time is a companion that goes with us on the journey, reminding us to treasure the moments, for they may have never come again. आपकी जिंदगी में समय इस तरह का होता है कि जो एक बार निकल जाता है, it never comes back. So enjoy each and every moment which you have now, rather than worrying about the future or the past. यानी आज में रहने की कोशिश करें, अभी में रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पल है जो आप हमारे साथ गुजार रही हैं Sean Bites पर, ये पल वापस नहीं आने वाले. बिल्कुल शालिनी. और इसी के साथ एक ऐसा वक्त था कि जिसको हम याद करते हैं, अगर हम अपने बैक होम की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उसके बाद 1947 से लेके हमने आज तक कि क्या खोया, क्या पाया और कितना प्रोग्रेस किया, कितनी सक्सेस पाई, और इन सब में, इन सबको बताने में, इन सबको एक्सप्रेस करने में हमारे जो पोइट्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है. जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस भी वतन को आप ताल्लुक रखते हैं, जिस भी वतन से, ऐसे ही एक कवि हुए हैं शालिनी शैलेंद्र. आज की जो शायरी है, हम शैलेंद्र की शायरी की बात करेंगे जी. उन्होंने 1950 में बहुत ही खूबसूरत सी एक पोइम लिखी थी, और ये पोइम जब आप सुनेंगे तो आपको ये उस वक्त में लेकर जाएगी 1950s के टाइम पे, जब हमारा वतन आज़ाद हुआ था, रिपब्लिक भी आने वाला है शालिनी. तो बस मैंने सोचा कि यही हम शायरी करते हैं, और उस वक्त में आपको लेकर जाएगा डाउन मेमोरी लेन, और उस वक्त के भारत को दर्शाती है ये कविता शैलेंद्र की लिखी हुई. वो कहते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजार दिन, कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीं के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिकेंगे न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिलेंगे जुर्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. एब्सोल्युटली वंडरफुल शिवानी. और जब हम ऐसे समय का बात करते हैं जब हमें आज़ादी मिली, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं बॉडी के.
एक तरह का जश्न मनाने का दिल करता है, और कंट्री कोई भी हो, देश कोई भी हो, सबको अपने देशों से प्यार होता है। हम इस वक्त बैठे हैं कनाडा में, हमें कनाडा से भी प्यार है, और साथ ही जहाँ पर हमने जो है जन्म लिया, जहाँ पर हम पैदा हुए भारत, उसे भी हमें बहुत प्यार है, और इसीलिए हम प्यार करते हैं बॉलीवुड से भी। इसीलिए बॉलीवुड की ढेर सारी गपशप हमारे पास तैयार है आपके लिए। हमारे ट्विटर पेज पर जाकर जरूर हमें फॉलो कीजिए अगर आप ढेर सारी गपशप सुनना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में, by following us on twitter.com/ShaliniDixit. And now let's talk about the latest Bollywood box office releases this year. हम बात करेंगे जनवरी से लेके मार्च तक के बारे में, और गंगूबाई ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है 11 जनवरी को, लेकिन गंगूबाई का ज्यादा नाम नहीं आ रहा क्योंकि उसी दिन रिलीज होने जा रही है पंकज कपूर, अनुष्का शर्मा और इमरान खान के बेहतरीन फिल्म, एक बहुत ही कहा जा रहा है टाइट डायरेक्शन रहेगा शिवानी फिल्म का, द फिल्म इज मटरू की बिजली का मंडोला। तो इसीलिए 11 जनवरी को जब बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ यही फिल्म लाइव लाइफ में आ रही है इस वक्त। अनदर फिल्म विच इज रिलीजिंग ऑन 11 जनवरी इज प्यार में ऐसा होता है। And now let's move on to 18 January, where not one, not two, but four films are releasing on 18th of January. Bandook, Inkaar, Mumbai Mirror and Unsound. So let's go and watch a beautiful trailer from the film Matru Ki Bijli Ka Mandola. Vaise tu hai kaun? Kutta hoon. कितनी बार समझाया तुझे, तू कच्चा बनियान पहन के मत जाया कर तालाब में। जी तो क्या उतार कर जाया करूं, कच्चा कि बनियान? राजा दिल सांड हो ना तो हर लड़की फैंस दिखाई देती है मेरी जान। की बेगी, बेगी का गुल्ला, जब तंबू खोला तब गुल्लम गुल्ला। गुल्ले की बेगी, बेगी का गुल्ला, जब तंबू खोला तब गुल्लम गुल्ला। बल्ले वो बोला फिर मैं बोला, रे मटरू की बिजली का मंडोला, रे मटरू की बिजली का मंडोला। पता चल गया के मुझे मीना कुमारी कॉम्प्लेक्स है। तुम्हारी कसम नहीं खा सकता और मुझे खा सकते हो। यू आर डिलीशियस। शादी कर ले मुझसे। शादी तुझसे? सारी बेटी, सारी भैंस, सारी गड्डी, सारी चड्डी, पैंट, जूती, कमीज, घड़ी, चड़ी, किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ। आसमान में भैंस, गुलाबी भैंस। बिजली का मंडोला, रे मटरू की बिजली का मंडोला, मटरू रे मटरू, मटरू की बिजली, बिजली का मंडोला, रे मटरू की बिजली का मंडोला। शालिनी, आप प्रेयर की बात आपने नहीं की। ओके और हम कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो प्रेयर से करते हैं, और जब एक इंसान सुबह ऑफिस में एंटर होता है राइट, एक प्रेयर करता है। ओके और वो जो प्रेयर होती है वो अपने बॉस के बारे में होती है। अच्छा, बॉस के मूड के बारे में होती है। और किसी ने फेसबुक पे हमें बड़ा अच्छा लिखा है, वो कहते हैं कि प्रेयर बिफोर एंटरिंग ऑफिस। ओके एंड डियर गॉड, आई बेग यू, गिव मी द विजडम टू अंडरस्टैंड माय बॉस, गिव मी द लव टू फॉरगिव हिम, give me the patience to understand his deeds, but dearest God, don't give me the power, because if you give me the power, I'll break his head. वही, यानी कि बॉस जो है उनको प्यार भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन एट द सेम टाइम बॉसेस से डर भी लगता है, लेकिन कभी कभी बॉसेस के ऊपर गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आता है। और शादी, हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, एक स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें ये कहा गया है कि बॉस के घर में कौन सा बच्चा पैदा होता है, बॉय या गर्ल, उससे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अच्छा, अगर गर्ल होती है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और अगर बॉय पैदा होता है तो आपकी सैलरी में कमी होने के चांस। रियली?
क्योंकि सारा खर्चा बॉय के ऊपर हो जाएगा, इसीलिए शायद आपकी सैलरीज कम हो जाएगी। कोई भी रीजन रहे भाई, अपने बॉस के सामने हमेशा यस बॉस करना है, ऐसा एक जनरल ओपिनियन है। और अगर आप बॉस को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, हम उस बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि शिवानी ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था। बिल्कुल। और शाहरुख खान ने राय दी अपनी वाइफ के बारे में, ओके, और अपनी वाइफ को प्रेज करते हैं गौरी को, और वो कहते हैं कि जो गौरी है वो सिर्फ एक स्टार वाइफ नहीं है, शी इज नॉट ओनली मिसेस एसआरके, शी हैज आइडेंटिटी ऑन हर ओन। और वो और उनकी जो फ्रेंड है सुजैन रोशन, ऋतिक रोशन की वाइफ, उन्होंने अपना एक फर्नीचर स्टोर थोड़े दिन पहले खोला था, थोड़े महीने पहले, वैसे तो काफी अरसे से खोला हुआ है, लेकिन एक और आउटलेट खोला था जो बहुत अच्छा आउटलेट है, इट्स डूइंग वेरी गुड, और उसमें पार्टनरशिप में है गौरी खान। और जो गौरी खान है वो एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, उन्होंने अपने खुद अपने घर को डिजाइन किया है, और साथ ही वे जो अर्जुन रामपाल का जो पब है लैब्स, उसको भी उन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया है। गौरी खान और ऋतिक रोशन की वाइफ जो सुजैन रोशन है, वो दोनों मिलकर फर्नीचर का काम कर रही है। और शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया था फेसबुक पे थोड़े दिन पहले कि यू गर्ल्स मेक वुड स्पीक। वाह, इतना सुंदर उन्होंने वुड पे काम किया दोनों ने मिलके कि लग रहा था कि वो जो वुड है वो बोल रही है। एब्सोल्युटली। तो बस आजकल का जमाना बदल गया है, जो स्टार्स की वाइफ है वो सिर्फ मिसेस सो एंड सो स्टार्स नहीं है, उनकी अपनी आइडेंटिटी भी है, और ऐसा भी होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है, हर इंडिविजुअल अपने आप में खास होता है, इसलिए हमें आप सभी इंडिविजुअल खास लगते हैं, यूनिक लगते हैं, तो हम आपका ध्यान रखते हैं, आपकी फरमाइशें भी पूरी करते हैं। बिल्कुल कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, हम अपने सभी लिसनर्स को कहेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं YouTube पर, हमारा नया जो चैनल है उसके माध्यम से youtube.com/shaunmedia आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, which is absolutely free and you can watch all our videos जो हम आपके लिए शूट करते हैं, साथ ही हमारे ऑन लोकेशन वीडियोस भी आप पसंद कर सकते हैं। एंड डू सेंड द ईमेल info@shaunmedia.com shaunmedia.com। हमारा शो कैसा लगता है, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू लिसन, डू लेट अस नो। You can always call us 416-569-7812 And Shivani, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा हेल्थ टिप है जो हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। And this health tip says, this is very important, so listen carefully. That says that the passive smoking can dramatically increase the risk of developing severe dementia. अगर पैसिव स्मोकिंग है, अगर आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है, इफ यू आर गोइंग इन अ कार, योर फ्रेंड इज स्मोकिंग, दैट इज डेफिनेटली इंजूरियस टू योर हेल्थ। इफ यू आर इन एन एलिवेटर एंड अनदर पर्सन इज स्मोकिंग, और द पर्सन इज जस्ट कम आउट ऑफ आफ्टर स्मोकिंग, सो दैट्स रियली बैड फॉर योर हेल्थ, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। सो ये एक तरह का टिप था कि जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए और जिससे आपको फायदा भी हो जाए। इससे बहुत सारी हार्ट डिजीजेस होने का भी खतरा रहता है, तो ये एक तरह का हेल्थ टिप था जो शायद आपके काम आ जाए। इसके अलावा शिवानी, हमारे लिसनर्स जो है ऑफिस में जाते हैं, दे डू अ डेस्क जॉब, दे गो देयर, टेक देयर कॉफी मग एंड देन दे गो एंड सिट ऑन देयर डेस्क एंड देन स्टार्ट वर्किंग। सो स्टार्ट स्टैंडिंग अप इन योर ऑफिस। इफ यू स्टैंड अप इन द ऑफिस, यू कैन लूज वेट एंड बूस्ट द सर्कुलेशन। ये एक एक्सपर्ट की राय है जो आपके शायद काम आ सकती है कि ऑफिस में जाकर आप थोड़ा खड़े रहें, थोड़ा चले फिरें, और इसके साथ साथ अगर आप 3 hours इन अ डे खड़े रहते हैं, देन यू कैन बर्न अबाउट 8 pounds ऑफ फैट अ ईयर। तो इतना अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इसके अलावा ट्रेडमिल जाएं, हिट द जिम एंड स्टार्ट ईटिंग केयरफुली, पिक योर चूज योर फूड वेरी केयरफुली एज टू व्हाट यू ईट, व्हाट यू कुक, एंड कुकिंग इज अनदर वेरी गुड वे टू स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली। शिवानी, बिल्कुल शालिनी, और अगर हम कुकिंग की बात करते हैं तो इस कंट्री में तो सभी कुक होते हैं, क्योंकि बैक होम होता था कि एक कुक का एक अलग दर्जा होता था। Right. यहाँ तो जो कुक है वो अपने आप में कुक ही क्यों, हर इंसान है यहाँ पे, सब कुछ है। बिल्कुल। यानी कि 8 या 10 अगर पोर्टफोलियोज एक आदमी संभाल रहा है, वो प्लम्बर भी खुद है, कुक भी खुद है, क्लीनर भी खुद है, जॉब वाला जो घर का अर्निंग मेंबर भी खुद है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुकिंग की बात भी हम जरूर करेंगे। अभी जो शुरुआत करते हैं बड़ी इजी सी कुकिंग से करते हैं, इट्स नॉट कुकिंग, कुकिंग भी नहीं है ये, क्योंकि आप सबको असेंबल करते
करके आपको एक स्नैक बनाना है। वो स्नैक की बात पहले शालिनी इसलिए की हम सभी लोग चाहते हैं कि वेट लूज किया जाए। इतने सारे हमारे लिसनर्स थे जिन्होंने हमें न्यू ईयर विश किया और पहला रेजोल्यूशन ये बताया कि हमें वजन कम करना है भाई। और वजन कम करने में क्या होता है कि एवरीबॉडी इज वर्किंग, एवरीबॉडी इज टायर्ड इन द इवनिंग, तो घर जाने के बाद वो ड्राइव थ्रू से या कहीं से भी जाके कुछ पैक करा लाते हैं और शाम का वक्त है, ठंड का वक्त है, तो पैक कराने में ज्यादातर चीजें फ्राइड होती हैं, गर्म होती हैं और हैवी होती हैं, वजन बढ़ाने वाली होती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो हम टेस्टी खाना खा सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। उसके लिए आपको अगर ब्लैक चने की अगर हम बात करते हैं तो सबके घरों में ब्लैक चने होते हैं, सबको पता है ब्लैक चना क्या होता है और इतना अच्छा होता है। अगर आप पावर स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हमें बॉडी को स्ट्रेंथ देता है तो जो हॉर्सेस होते हैं शाली उनको भी अगर इफ यू रिमेम्बर ब्लैक चने खिलाए जाते हैं, इट्स फॉर द स्ट्रेंथ। और उसके लिए जो हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आता है, डायबिटीज में बहुत काम आता है, तो फॉर दैट यू हैव टू सोक ब्लैक चना ओवरनाइट और उसके बाद मॉर्निंग में उसको आप बॉइल कर लीजिए और उसमें अपनी चॉइस की जितनी चीजें आप मिलाना सके मिला लीजिए। अगर आपको वेजिटेबल्स खाने का शौक है तो आप वेजिटेबल्स काट के डाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मस्ट हैं जो आपको डालनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट टेस्टी। उसमें अनियंस हैं, कोरिएंडर्स हैं, ग्रीन चिलीज हैं, आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लाइम जूस डाल सकते हैं और एक बोल के आप चार बोल भी खाएंगे ना तो आपको फायदा ही होगा। क्या बात है। और आपने हेल्दी चीजों की बात करी, फिटनेस की बात करते हैं शिवानी, और सलमान खान इज नाउ डेज वर्किंग रियली हार्ड टू गेट बैक इन शेप। रिसेंटली 47 ईयर्स के हो गए हैं और मैं तो ये कहूंगी कि ही लुक्स लाइक 37 ईयर ओल्ड बॉय और अपनी गेम में पूरी तरह से टॉप पर रहते हैं। एक्सरसाइज की बात करें, जिम की बात करें या इनकी फिल्मों की बात करें, हमेशा इन्हें टॉप पर रहना पसंद आता है और बियॉन्ड बॉलीवुड भी इनका नाम आगे जाता जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल लव सलमान खान, उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो एनर्जी लेवल है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं और कहा जा रहा है कि ये एक कोई नई तरीके की डाइट को फॉलो कर रहे हैं विच इज शोइंग रिजल्ट फॉर सलमान खान। अब ये क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इनको हेल्थ इश्यूज हैं शिवानी सलमान खान को, तो उन हेल्थ इश्यूज के चलते ये दवाइयां कम लेकर अपने आप को एक्सरसाइज करके और अपनी डाइट एक स्पेशल डाइट फॉलो कर रहे हैं जिससे ही फील्स मोर रिफ्रेश्ड एंड मोर फिटर। और शालिनी ये कहा गया है कि उनकी जो ब्रेन की उनकी जो नर्व में जो प्रॉब्लम है उसमें उन्होंने खुद बताया था कि अगर ज्यादा उसको सर्जरी की जाएगी उससे उनको ठीक किया जाएगा तो विजन या विजन लॉस होने के या किसी और चीज के चांसेस हैं। इसलिए कि सर्जरी की जगह पे मेडिकेशंस के साथ, जैसा कि शालिनी ने बताया कि मेडिकेशंस कम से कम लिया जाए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको बैलेंस किया जाए और ये बहुत अच्छी चीज है। और दबंग 2 में आप देखिए कितने यंग लग रहे हैं, पुलिस ऑफिसर बने हैं, यूपी के बने हैं, खाते पीते खाने पीने के शौकीन बने हैं, लेकिन वजन कहीं भी नहीं दिखाई, वजन बिल्कुल नहीं, तो बस ऐसे ही होना चाहिए मिस्टीरियस सा, खाते पीते भी दिखाई दिए और खाते हुए भी ना दिखाई दे। एब्सोल्युटली किसी को पता ना चले कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और जब पर्दे के सामने आए तो सुपर डुपर हिट नजर आए और फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो जाए। फिलहाल एक एक्ट्रेस जो है बड़ी हिम्मत के साथ अपने कैंसर के साथ लड़ रही हैं, हर नेम इज मनीषा कुराला, एवरीबडी नोज इट, एंड नाउ शी इज एक्चुअली यूजिंग हर टाइम वेरी वेल टू हॉस्पिटल। शी इज going through the treatment for ovarian cancer in New York and she is hospitalized and while she is in the hospital she is trying to utilize the time by writing her autobiography. Okay. और कहती हैं कि she is doing her best and leaving rest to Bhagwan. ऊपर वाले पर छोड़ रही हैं और शी इज लर्निंग अ लॉट थ्रू दिस प्रोसेस कहती हैं, इस प्रोसेस ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ हर स्पिरिचुअल लर्निंग्स आर नो मोर अ कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाट शी सेज, बट नाउ ऑल आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड एक्चुअलाइज्ड। इन्हीं कई चीजें हमारे ब्रेन में रहती हैं, हम सीखते रहते हैं लेकिन उसको जब काम करने का मौका आता है, जब हम जिंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं, देन ओनली वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस। और ये बातें इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखी। शाली ऐसा होता है कि जब आप जिंदगी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि जिंदगी हमारे हाथ से
ज्यादा चली ना जाए या फिर जिंदगी में हमारे पुराना वक्त वापस आ जाए, डू यू वर्क हार्ड फॉर दैट? तब आपको समझ में आता है कि जो इंसान होता है उसका हर पल कितना जरूरी होता है, अपनों का साथ कितना जरूरी होता है, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं. और अगर हम बात करते हैं जिंदगी में टाइम वेस्ट करने के लिए और बिला वजह परेशान होने के लिए, तो रूमर्स जो होते हैं ना इंसान को बहुत डिस्टर्ब करते थे. और अगर आपको हमेशा इंसान को लगता है कि हमारे बारे में लोग क्या बात कर रहे होंगे, इसके लिए बड़ा अच्छा सा रूमर्स के बारे में बड़ा अच्छा ह्यूमर कहा गया है. वो कहते हैं कि अगर आपको लगे कि कोई आपके बारे में कुछ गलत बातें फैला रहा है, तो उसे आराम से कह दीजिए कि रिमेम्बर रूमर्स यू हियर अबाउट मी आर एज ट्रू एज द वंस आई हियर अबाउट यू. सो स्वीट, दैट्स अमेजिंग. तो वो अगले दिन से वो इंसान एकदम चुप हो जाएगा कि मेरे बारे में भी इस इंसान को उतनी ही बातें पता है, तो मैं ना भी बोलूं तो अच्छा है. वो कहते हैं ना कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते. बिल्कुल सच है. और ऐसे ही चीजें फॉलो करनी चाहिए और जिंदगी में खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए. बिल्कुल. और ऑस्कर अवार्ड्स आने वाले हैं और 9 फिल्में सेलेक्ट की गई हैं. लिंकन जो है दैट टॉप्स विद 12 नॉमिनेशन, सो दैट इज अ न्यूज. और इसके बारे में और डिटेल्स आपको देते रहेंगे हम. फिलहाल बता दें लाइफ ऑफ पाई जो है दैट ब्रिंग्स इंडिया in focus at Oscars with 11 nominations. This is an Indian story which has once again claimed spotlight at the Oscars, with Ang Lee directed A Life of Pi having 11 nominations in major categories, including a nod for Carnatic vocalist Bombay Jayashree. और इसको बहुत पसंद किया जा रहा है. लेकिन जो स्टीवन स्पीलबर्ग की जो फिल्म है लिंकन, दिस इज लीडिंग इन द ऑस्कर नॉमिनेशंस विद द 12 नॉमिनेशंस. और इसका भी एक इंडिया कनेक्शन है, विद द प्रोड्यूसर बीइंग अनिल अंबानी ओन्ड रिलायंस ड्रीमवर्क्स. सो दैट इज अ वेरी प्राउड फीलिंग शिवानी. बिल्कुल. क्यों? और बिल्कुल शालिनी. और रेस 2 फिल्म हो रही है रिलीज. और ये जो रेस का पहला वाला हिस्सा था वो 2007 में रिलीज हुई थी रेस, उसका पार्ट 2 बनने जा रहा है. और आपको शायद हमारे सुनने वालों को शायद ये शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि अब्बास मस्तान की ये फिल्म है. जो लोग दोनों ब्रदर्स हैं ये शायद पता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि पिछले शायद 30 सालों से बता रहे थे एक दिन भी वो एक दूसरे से अलग नहीं रहे. Really? Yes. Oh. और इन दोनों का सेल फोन भी एक है. अच्छा. और एक ही फोन पे जिसके लिए फोन आता है, अगर दूसरा भी उठाता है तो कह देता है कि इतनी देर बाद फोन कीजिएगा, वो आने वाले हैं. That is so sweet. फोन भी एक है और 35 सालों से एक दूसरे से कभी वो जुदा नहीं हुए. और फिल्में भी एक साथ बनाते हैं. और इन दोनों में जब डिफरेंसेस होते हैं तो वो दोनों भी डिफरेंसेस एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं वो दोनों, और एक कॉमन चीज हो जाती है जिसपे वो फिल्म बन जाती है. That is so amazing. जैसा मेरा और शिवानी का कनेक्शन है, एक साथ काम करते हैं, एक साथ लड़ते हैं, एक साथ झगड़ते हैं, एक साथ प्यार करते हैं और नंबर भी एक ही शेयर करते हैं. एक ही नंबर पर आप हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं. अगर आपको पसंद आता है हमारा ये YouTube चैनल, then do let us know. You can call us at our Toronto number 416-569-7812, 416-569-7812. You can visit our Facebook page at facebook.com/SeanMedia, S-H-O-N Media. Or you can follow us on Twitter, twitter.com/ShaliniDixit. You can also visit our website, www.SeanMedia.com, SHONMedia.com. तो इसी के साथ आपसे टाटा बाय बाय सी ऑफ करने का वक्त आ चुका है. लेकिन आपसे रेडियो पे तो रोज मुलाकात होती ही है आवाज के रिश्ते के जरिए. और लेकिन यूट्यूब पे हम आपको फिर से बहुत जल्द दिखाई देंगे एक नए एपिसोड के साथ शॉन बाइट में. बिल्कुल. शॉन बाइट्स विल ब्रिंग द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड फॉर यू नेक्स्ट वीक ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. टिल देन हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग एंड हैव अ गुड नाइट. टेक केयर.